लक्स के लिए जो है ना XLP रिमूव किया जा रहा है, ठीक है जी। XLP लक्स के लिए रिमूव किया जा रहा है। अभी मैं इंशाल्लाह आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। 5 सेंटी XLP को रिमूव किया जा रहा है। देख रहे हैं आप किस फॉर्म में मशीन XLP रिमूविंग मशीन जो है ना वो चल रही है। अभी माशाल्लाह इसको लग्स को कनेक्टर को XLP रिमूव करके कनेक्टर बनाते हुए XLP उतारने ताकि हम इस पर अपना लग्स जो है ना वो अप्लाई करके पंच कर सकें। तो इस तरह से अभी आप देखिए माशाल्लाह पूरा एग्जैक्टली 5 सेंटी माशाल्लाह वेरी गुड। तो तीनों केबलों को बस उतार कोई गल नहीं, तीनों केबलों को इस फॉर्म में टर्मिनेशन रेडी कर लिया, ब्रेकआउट हो गया, सिमी कनेक्टर रिमूविंग हो गई, XLP रिमूव करके जो है ना लक्स जो है ना वो रेडी कर लिया। अभी इसकी हीटिंग ट्यूब जो है ना वो हम हीट करेंगे। आप मार्क करने के बाद में जैसे ये रेड है, ये येलो है, ये ब्लू है, आप लोग इसके ऊपर फॉर एग्जांपल आप लोग इस तरीके से ये आपकी हो गई रेड, ये आपकी हो गई येलो, और इसके ऊपर मैं अभी ब्लू इस तरीके से मार्क कर दूंगा। तो अभी जो है मेरी हीटिंग ट्यूब दोनों के ऊपर हीटिंग ट्यूब जो है ना वो हमने अप्लाई कर दी है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और तीसरी को मार्किंग कर दिया हुआ है इस तरह से। यहाँ पे आप लोगों ने PVC टेप लगा लेनी है ताकि आपका जो है वो हीटिंग ट्यूब जो है वो डैमेज नहीं हो। इस तरीके से आपने टेप लगाने के बाद में अप्लाई करना, ठीक है। मैंने क्यों नहीं किया आपने ये नहीं सोचना, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी मैं अपने असिस्टेंट को सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको हीट करना है। तो अभी हम इसको हीट करेंगे। हीटिंग ट्यूब को हीट करते हुए जैसा आप देख रहे हैं माशाल्लाह दोनों ट्यूबें हीट हो गई हैं दोनों फेस के ऊपर, और अभी लास्ट में ये तीसरी ट्यूब को श्रिंक करते हुए हीट देने के बाद में श्रिंक करते हुए, और हीट श्रिंक का मतलब होता है हीट मतलब उसको जो है ना गर्माइश देना, हीट देना किसी चीज़ को, तो उसको हीट बोलते हैं। और श्रिंक का मतलब होता है कि ये जो सुकड़ रही है, ये जो हीट देने के बाद में ये जो सुकड़ रही है यानी ये जो श्रिंक हो रही है इसको बोलते हैं कि हीट श्रिंक करना। तो तीनों टिपों को श्रिंक करने के बाद में, हीट श्रिंक करने के बाद में इसके आगे फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस होगा इंशाल्लाह। देखते रहिए और एंजॉय कीजिए, और एंजॉय करने के साथ सीखिए भी टर्मिनेशन T-टाइप 185। एज ए केबल ज्वाइंटर इंस्ट्रक्टर माशाल्लाह मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ शुएब को, ठीक है जी। आप देखते रहिए और एंजॉय कीजिए और काम सीखिए भी। अभी जो है ये इसकी टेम्परिंग हो रही है, ठीक है,
स्ट्रेस कोन चढ़ाने के लिए अडाप्टर जो है स्ट्रेस कोन चढ़ाने के लिए अभी इसकी टेम्परिंग हो रही है। ये देखिए प्री मोल्ड टी टाइप टर्मिनेशन, दो फेसों की टेम्परिंग मुकम्मल हो गई है। अभी इसके बाद सैंड पेपर लगेगा तो ये कंप्लीट होगी इसकी टेम्परिंग। बस फिर ये भी आप देखिए इस तरीके से स्ट्रेस क्रोन चलाने के लिए इसकी टेम्परिंग की जाती है। अभी इनके ऊपर सैंड पेपर जो है वो तीनों फेस के ऊपर अप्लाई किया जाएगा ताकि जो इसकी ये शार्पनेस है ये जो आपको नज़र आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी सैंड पेपर से। ये मुकम्मल टेम्परिंग, ये देखिए टेम्परिंग मुकम्मल हो गई है। अभी ये सैंडिंग हो रही है। ये देखिए आप इस तरीके से इसकी शार्पनेस को ख़त्म करना है। पहले ये इस फॉर्म में थी, टेम्परिंग करने के बाद में अभी इसको फाइनल लुक जो है इस तरह आपने ये देनी है। ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हो चुका है ये, और ये वाली वन फेस अभी रहता है।